नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि मांगलिक दोष के कारण पुनर्विवाह की संभावना बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है, ऐसा अनुभव भी मेरे जीवन में मैंने किया है। तो आज आपके सामने में मांगलिक दोष क्या है और मांगलिक दोष कब ज़्यादा परेशान करने वाला बन जाता है, सब विस्तार आपके सामने मैं रखने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले जन्म कुंडली जब मिलान करे तो भाव को देखना चाहिए, ग्रह मन की स्थिति को देखना चाहिए, साथ ही दोस्तों मांगलिक दोष भी देखना बहुत ही आवश्यक है। तीन स्थिति ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखी गई है जो मांगलिक दोष के कारण पुनर्विवाह की संभावना हो गई, पुनर्विवाह उसका हुआ। सबसे पहले दोस्तों, हम मांगलिक दोष किसको कहते हैं वो भी समझना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव में मंगल लिखा है तो उसको दोस्तों मांगलिक दोष कहते हैं। चतुर्थ भाव में मंगल लिखा है तो उसको मांगलिक दोष कहते हैं। सप्तम भाव में मंगल लिखा है तो उसको मांगलिक दोष कहते हैं। अष्टम भाव में अगर मंगल लिखा है तो उसको मांगलिक दोष कहते हैं, और द्वादश भाव में अगर मंगल लिखा है तो उसको मांगलिक दोष कहते हैं। लेकिन दक्षिण में भी एक भाव ऐसा भी कहा गया है, कई प्रदेशों में इस भाव की चर्चा नहीं रहती लेकिन दक्षिण में इसको प्राधान्य दी गया है। द्वितीय भाव में अगर मंगल लिखा है तो उसको मांगलिक दोष दक्षिण में यहां ज्योतिष आचार्य मानते हैं। अब दोस्तों, आपको समझना होगा कि ये मांगलिक दोष अक्सर पुनर्विवाह कराते हैं, लेकिन तीन स्थिति में, मैं तीन स्थिति की चर्चा करूंगा आपको। सबसे पहले जब भी जन्म कुंडली मिलान करे मांगलिक दोष आ रहा है तो इस छह नक्षत्र को देखना बहुत ही आवश्यक है। समझिए, ये छह नक्षत्र, आठ नक्षत्र दोस्तों, माफ कीजिए, आठ नक्षत्र ऐसे है, यहां देखना बहुत ही आवश्यक है। पहला नक्षत्र है दोस्तों सबसे पहले आद्रा नक्षत्र, द्वितीय नक्षत्र है दोस्तों आश्लेषा, तृतीय नक्षत्र है दोस्तों ज्येष्ठा, चतुर्थ नक्षत्र है मूल, पंचम नक्षत्र है भरणी, षष्ठम नक्षत्र है दोस्तों मघा, सप्तम नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा और अष्टम नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा। इस नक्षत्र को आप देख के मांगलिक दोष का निर्णय करना बहुत ही आवश्यक है। अब दोस्तों, दूसरी स्थिति को देखना चाहिए। वैसे तो जन्म कुंडली में अगर मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, साथ ही मकर राशि है और मंगल लिखा है तो उसकी अपनी राशि मानी जाती है, लेकिन सामने वाले की कुंडली देख के यहां हमें सोचना चाहिए। मैं एक बात और भी करूंगा, जो पुनर्विवाह हुआ और अनुभव हुआ वो बात आज आपके सामने रखने वाला हूं। दोस्तों, जन्म कुंडली में अष्टम भाव में अगर मंगल लिखा है, कर्क राशि में है, नीच भाव में है, और सामने वाले की कुंडली में अगर मंगल नहीं है, मंगल दोष खत्म नहीं हो रहा है, मांगलिक कुंडली भी नहीं है, तब यहां बहुत ही सोचना चाहिए। आप पूरी तरह जांच ना करें तब तक शादी की यहां आपको यश नहीं कहना चाहिए। अगर दोस्तों यह मांगलिक दोष आ रहा है जो मैं अष्टम भाव की चर्चा कर रहा हूं, तो ऐसे अनुभव हुआ है कि पुनर्विवाह हुआ है, दोनों की शादी हो गई, दो अनुभव की बात करूं, दोनों की शादी हो गई, एक संतान होने के कारण भी ससुराल ने उस लड़के को निकाल दिया और दूसरी बार शादी करनी पड़ी। अब मैं जो दूसरी बात करने वाला हूं वो भी आप जरूर देखिए अपनी कुंडली में। दोस्तों, अगर जन्म कुंडली में प्रथम भाव में अगर कन्या लग्न है, छह नंबर की राशि लिखी है और मंगल
प्रथम भाव में लिखा है तो यहां बहुत ही सोच समझ के गुण मिल रहे हैं, ग्रह की स्थिति अच्छी है, मांगलिक दोष भी नहीं आ रहा है तो शादी करनी चाहिए। पहले तो सबसे पहले जन्म कुंडली मिलान अवश्य करें, तब आप आगे बढ़े। कई बार सिर्फ कुंडली मिलान करते हैं, ग्रह मिलान नहीं करते, मंगल दोष को नहीं देखते और पुनर्विवाह की यहां संभावना बढ़ जाती है। मैं बार बार कहता हूं, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, आपको मंगल से डरना नहीं है, आपको कुंडली पूरी तरह दिखानी है अच्छे ज्योतिष आचार्य को, तब आपको वो कहेंगे कि आप शादी कर ले या ना कर ले। दोस्तों, कन्या लग्न है, मंगल प्रथम भाव में लिखा है तो यहां मंगल की स्थिति तृतीय भाव में देखी जाएगी और अष्टम भाव में देखी जाएगी। यहां मंगल मार्ग ग्रह हो रहे हैं, ऐसा अनुभव हुआ है कि एक लड़की की जब उम्र ही नहीं थी तब सामने वाले ने आके कहा कि आप मुझे शादी करा दे, पिता ने कोई सोच नहीं रखी, सोचा कि अच्छा परिवार है, धनवार परिवार है, एक ही लड़का है, मैं अपनी लड़की को शादी करा दूं, ऐसा सोच समझ के कुंडली मिलान भी नहीं की और शादी करा दी। शादी कराने के बाद यहां सास ससुर और जो हस्बैंड थे उसका दबाव बढ़ने लगा, लेकिन ये संस्कारी लड़की थी, कुछ समय तक उसने बहुत सहन किया, संतान भी हुआ, लेकिन अब वो सहन शक्ति की कुछ परिकाष्ठा चली गई थी। पिता के घर वो आ गई, जो सास ससुर और लड़के ने उसको निकाल दिया, एक संतान था, पुनर्विवाह उसका हुआ। दोस्तों, ऐसा ना हो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जन्म कुंडली मिलान अवश्य करें, मांगलिक दोष को अवश्य देखें। दोस्तों, एक लड़की को दूसरी जगह जाना पड़े, पुनर्विवाह करना पड़े, उनसे कठिन स्थिति हो ही नहीं सकती, इसलिए जन्म कुंडली मिलान अवश्य करें। साथ ही जन्म कुंडली मिलान करते समय आप आचार्यों को पूछे कि क्या दोनों की कुंडली मिल रही है, साथ ही जन्म कुंडली में मंगल दोष आ रहा है तो उसके शास्त्रोक्त तो उपाय कराइए। कुछ शास्त्रों में कुंभ विवाह का यहां उपाय लिखे गए हैं, वो भी कराइए, लेकिन कुंडली मिलान अवश्य करें। दोस्तों, आज मैं मंगल के बारे में इसलिए चर्चा की कि ऐसे दो अनुभव मेरे पास, बहुत सी कुंडली आती है शादी के बाद कि हमारी शादी हो गई है, हमारे झगड़े हो रहे हैं, फिर मैं वहां उसको कहता हूं कि आपने कुंडली मिलान की थी, तो कहते हैं नहीं की थी, और बाद में ये झगड़े बढ़ते रहते हैं और अलग हो जाते हैं। ऐसा ना हो, हमारे संतानों की हमें सोचना चाहिए। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि शादी में जो मुहूर्त देखना चाहिए वो भी नहीं देखते, केवल आनंद विभोर में वो समय चला जाता है और बाद में सिर्फ एक ही परेशानी बढ़ती है। दोस्तों, आप कुंडली मिलान अवश्य करें, ऐसे ही जानकारी मैं आपके सामने रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं, उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही दोस्तों, अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो ज्योतिष का जो समय है, मैं कई बार कह चुका हूं, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से 9 बजे तक है, उसी समय कॉल करें, अपॉइंटमेंट आप ले लें, फिर मुलाकात करें। कई बार समय के साथ कॉल नहीं करते, फिर बार बार हमें कहते हैं कि पंडित जी हमारा कॉल नहीं लग रहा है, समय के साथ कॉल करेंगे, आपका कॉल लगेगा, आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। दोस्तों, YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव।